Hello students, my name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answers from chapter number 3, class 9 science book. Okay, so let's start the discussion of question and answers. So question number 1 hai aapki book mein ki in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. Theek hai? The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. ठीक है, तो law of conservation of mass क्या कहता है? ठीक है, ये आपकी book के अंदर के questions हैं. Law of conservation of mass ये कहता है कि mass किसी भी reaction में नया mass create नहीं होता है और ना ही पुराना मास जो है वो डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है, यानी कि उनका जो फॉर्म है वो चेंज हो सकता है लेकिन जो टोटल मास है वो कंजर्व रहता है. ठीक है, सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो यानी जो भी LHS में थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट किए और उनका उस पर जितना वेट था उतना ही वेट RHS यानी प्रोडक्ट्स जब वो बन जाएंगे किसी और स्टेट में चले जाएंगे, किसी और फॉर्म में कोई और केमिकल बना देंगे, तो उनका भी वेट या उनका भी मास जो है वो उतना ही होगा जितना कि पहले था. ठीक है, टोटल मास जो है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ये जो रिएक्शन हुई है ऊपर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करती है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह का पहले एक इक्वेशन लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट इथनोइक एसिड जो है रिएक्ट करते हैं और वो सोडियम इथनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहे हैं. ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ओके, हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका मास हम पहले टोटल करेंगे. उनका मास हमको दिया है क्वेश्चन में 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम टू गिव अस 7.3 ग्राम और RHS यानी प्रोडक्ट जो भी बने उनका मास भी दिया हुआ है, हम उसको भी टोटल करते हैं 8.2 ग्राम प्लस 2.2 प्लस 0.9 ग्राम टू गिव अस 11.3 ग्राम. तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट का जो जो रिएक्टेंट्स थे उनका जो मास था उतना ही टोटल मास जो है वो राइट हैंड साइड में भी बना लास्ट में. ठीक है, तो एक तरीके से हम ये देखेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता हुआ इक्वेशन है. ठीक है, सो द कंजर्वेशन ऑब्जर्वेशंस आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर. ठीक है, जैसे हमें पता है 1:8 की रेशियो में कंबाइन करते हैं. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? तो 3 gram of hydrogen gas के साथ जो है react करने के लिए कितना oxygen gas जो है वो चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा law use करेंगे, law of constant proportion. यानी कि ये कहता है कि चाहे हम water कहीं से भी लें, वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही आपस में कंबाइन करना होता है. ठीक है, और वो प्रोपोर्शन क्या है, 1:8. 1:8 के मास के रेशियो से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हमेशा ही वाटर बनेगा चाहे वो कहीं से भी हो. ठीक है, तो इनका वाटर बनने का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है इसी को हम कॉन्स्टेंट है और इसी को हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन कहते हैं. ठीक है, सो अब 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कितना ऑक्सीजन के साथ करता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 1:8 का रेशियो है. तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 × 3, सो इट इज 24 ग्राम. तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से अगर हम चाहते हैं कि इसे वाटर बने तो हमको 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का यूज करना पड़ेगा वाटर बनाने के लिए. फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? तो कौन से जो Dalton's का postulate है वो law of conservation of mass को support करता है. ठीक है, so Dalton ने जो postulates दिए थे उसमें उन्होंने कहा था कि atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction.
तो यही जो उनका पॉस्टुलेट था, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सपोर्ट करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी कहते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बस उसका फॉर्म हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे ही डॉल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने जो पॉस्टुलेट्स दिए थे उसमें कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और वो किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही एक तरीके से सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच पॉस्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या कहता है कि हर एक एटम आपस में दूसरे एटम के साथ एक कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में बंधता है या रिएक्शन करता है ताकि कोई एक खास कंपाउंड बन सके। जैसे अभी हमने देखा वाटर, वाटर का एग्जांपल देखा हमने अभी कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास प्रपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं अपने मास के ताकि वाटर बन सके। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जब इस कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में कंबाइन करेंगे तो हमेशा वाटर ही बनेगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई और कंपाउंड बन जाएगा, नो, ठीक है। फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। जो जो डॉल्टन की थ्योरी थी उसमें से कौन सा पोस्टुलेट से हम प्रूव करते हैं कि उन्होंने भी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन की बात की थी। डॉल्टन ने कहा था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो डॉल्टन ने ये पोस्टुलेट में कहा था कि रिलेटिव नंबर, एक जो कांस्टेंट प्रपोर्शन जिसको हम कह रहे हैं, तो डॉल्टन ने इसके लिए ये वर्ड यूज किया था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो चाहे कंपाउंड हम कहीं से भी ले, किसी भी सोर्स से ले, उसके अंदर के नंबर ऑफ एटम्स और उनका जो नंबर है, ठीक है, एक दूसरे के तुलना में कि किस प्रपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन करें वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो पोस्टुलेट है डॉल्टन का, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को सपोर्ट करता हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पेज नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU कहते थे पहले, अब हम उसको U से, यूनिफाइड यूनिट के फॉर्म में डिनोट करते हैं और उसका सिंबल U लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास यूनिट उसको अभी भी हम वही कहते हैं, ठीक है। सो द वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। एक कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर वजन को हम 1 AMU कहते हैं, ठीक है। सो द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में सारे एटम्स का जो है वो मॉलिक्यूलर मास या जो वेट आप कैलकुलेट करते हो वो पाया गया है। तो एक तरीके से जब कार्बन का 12 है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्योंकि वो उसके 1/12 था, इसीलिए हमने फिर हाइड्रोजन को 1 ले लिया और कार्बन को 12 ले लिया। तो इस तरीके से सारे जितना भी हम ये मास देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट मास है, ये रिलेटिव मास है, रिलेटिव टू द कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, कार्बन के 12 आइसोटोप जो है उसके रिलेटिव मासेस सबके कैलकुलेट किए गए हैं, फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से हमें क्यों नहीं कोई एटम दिखाई देता है? क्योंकि एटम का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, हमारी आंखें उतने छोटे साइज को देखने के लिए नहीं बनी है, ठीक है, ना ही देख सकती, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द एटम विद नेकेड आइज। और एटम का साइज कितने रेंज में होता है? नैनो रेंज में होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 10^10 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर, ठीक है, 10 नैनोमीटर। तो क्योंकि ये एंगस्ट्रॉन्ग है, 10^10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन्ग, या हम इसको कह सकते हैं, जैसे अगर हम लिखें कि 10^-10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, या ये 1 एंगस्ट्रॉन्ग, ए के ऊपर डॉट है, या हम 10^-9 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर लिख सकते हैं। यानी इसको हम, अगर हम 10^10 × 10^-9 को क्या लिख सकते हैं, 10 नैनोमीटर, ठीक है।
तो इतना साइज होता है एक हाइड्रोजन के एटम का। तो सोच लीजिए, हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा है, तो इसका साइज इतना होता है। तो मतलब एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, इवन बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। बैक्टीरिया का साइज तो कितना होता है, 2×10⁻⁶ मीटर के रेंज में आता है। तो सोचो, वो तो इससे 1,000 या 10,000 टाइम्स जो है वो छोटा है, तो कैसे देख सकते हैं हम। ठीक है, सो राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ, इनके फॉर्मूले लिखने हैं आपको, किसके किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम ऑक्साइड के। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ये आपको कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि याद करने होंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज करोगे, मतलब कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे आपको ABCD पहली बार तो याद करना होता है ना, ABCD याद करोगे तभी आप उनको जहां पे भी वो आएंगे उनको पहचान सकते हो, फिर उनका साउंड आपको याद करना पड़ता है, वैसे ही कुछ बेसिक चीजें तो आपको याद करनी होती है। ठीक है, जैसे सोडियम एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल याद करने होते हैं कि किस एलिमेंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। इन एलिमेंट्स के कुछ के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस आपको स्टार्टिंग में याद करने होंगे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो कुछ कॉमन एलिमेंट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो इनका सिंबल, इनका एटॉमिक नंबर और साथ ही इनका एटॉमिक मास कुछ टाइम के लिए आपको कोशिश करके याद करने होते हैं, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करोगे तो एक बार तो याद किया हुआ ही है, वो पूरे अच्छे से आपको हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, तो आप सवाल बहुत फास्ट कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो और सही कर सकते हो। ठीक है, और डर भी नहीं लगेगा आपको, तो एक बार ही इसको लिख के कहीं पे याद ही कर डालो। ठीक है, तो आपको फिर कोई कंफ्यूजन का स्टेट नहीं रहेगा, नहीं तो हर बार आपको डर लगेगा कि ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। तो एक काम करो, एक कॉपी पेन लीजिए और उस पर कुछ कॉमन एलिमेंट्स के नाम लिखिए, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आप देख रहे हो ना, इनका नाम लिखिए, फिर इनका सिंबल लिखिए, फिर इनका एटॉमिक नंबर लिखिए, फिर एटॉमिक मास लिख लिए, और इसको 3 से 4 बार हफ्ते भर में पढ़ डालिए, 10 दिन में 3 से 4 बार हर रोज पढ़िए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, फिर आपको ये सारी की चीज़ें इजी लगने लगेंगी। ठीक है, और कुछ केमिकल फार्मूला भी है कुछ कुछ कंपाउंड्स के, जैसे वाटर का फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए ना, H2O है। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ कुछ कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला भी याद कर लीजिए, तो इससे क्या है कि कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको हायर लेवल की चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो एक बार ही तो आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, फाइन। सो ये है कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है अमोनियम, जैसे NH4 इसको अमोनियम कहते हैं, और क्लोराइड Cl। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड, और तीसरा है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड, तो Na2SO4, अगर IDE है, सोडियम सल्फाइड है, तो SO4 है, अगर सोडियम सल्फाइड ITE होता तो SO3 होता। ठीक है, 3 के लिए हम T लगाते हैं, तो वहां पे 3 हो जाता है, और आइट लगाते हैं तो SO4 रहता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका लिखने का तरीका हमेशा ऐसा ही है, OH को ब्रैकेट के बाहर 2 लिखते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट हटा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हमेशा लगा के, OH के साथ ब्रैकेट लगा के ही लिखना होता है इसको। ठीक है, सो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते वक्त आप ऐसे ही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले, इन कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकता है कि फॉर्मूले दिए हैं नाम लिखने हैं, या नाम दिया है फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ बेसिक्स के आप याद कर लो, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al2, SO4 को सल्फेट कहते हैं, जहाँ पे भी आएगा SO4 उसको हम सल्फेट कहेंगे, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। ये कैल्शियम क्लोराइड, ये पोटेशियम, के जो होता है पोटेशियम का सिंबल होता है, पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CO3 जो होता है वो कार्बोनेट होता है, यानी आपको कुछ कुछ ये जो है ये कार्बोनेट है, CO3 जहाँ भी आएगा, किसी के भी एलिमेंट के साथ आएगा, तो उसको आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम लगा है यहाँ पे इसलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट कर रहे हैं। ये किसी और एलिमेंट के साथ, सपोज है पोटेशियम के साथ आ जाएगा, तो
तो पोटेशियम कार्बोनेट कहोगे, सोडियम के साथ आ जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट कहोगे, यानी CO3 जहां जहां होगा उसको आप कार्बोनेट ही कहोगे, ठीक है। ये इसको नाइट्रेट कहोगे, इसको सल्फेट कहोगे, ये क्लोराइड है, ये सल्फाइड सल्फेट है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ आपको बेसिक चीजें याद करनी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला से आप क्या समझते हो, ठीक है। सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और एलिमेंट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, ठीक है। एक तो उसके कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है, ठीक है। वाटर को हम कैसे लिखते हैं, H2O, तो ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है और इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन अगर हम WATER वाटर लिखते, ठीक है, ऐसे लिखते वाटर, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वाटर किन चीज़ों से मिलके बना है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर हम H2O लिख रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि वाटर किससे मिलके बना है। तो एक तो ये हो गया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, जो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है उसको हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं, किसी भी चीज़ का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के और कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं ये भी हमको बताता है, ठीक है। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, दोनों चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये हमें केमिकल फॉर्मूले से ही पता चल रहा है। वाटर लिखने से कहाँ पता चल रहा था कि पहले तो यही नहीं पता चल रहा था कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने नंबर में है ये भी नहीं पता चल रहा था, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हमको इससे पता चल गई, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। फिर ये जो केमिकल फॉर्मूला है वह ये 1 मोल ऑफ द कंपाउंड भी रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल मतलब ये नंबर, द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड। तो फिर ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल में क्या होता है कि हमने कुछ कुछ जो 1 मोल है उसको हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो 1 मोल चाहे एक एटम का हो, चाहे 1 मोल एक किसी कंपाउंड का हो, चाहे 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का हो, किसी भी कंपाउंड का हो, 1 मोल में हमने कुछ फिक्स नंबर ऑफ एटम्स को रखा है जिसको कि हम एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक चीज के 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर हम कह सकते हैं, 6.6.022 × 10², ठीक है। ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, अगर ये 1 मोल ऑफ एटम है तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 1 मोल है किसी कंपाउंड का, जैसे मैं अगर बोलूं 1 मोल ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, तो मैं कहूंगी कि 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये है 1 मोल का जो है नंबर के फॉर्म में, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं ये केमिकल फॉर्मूले। और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड के बारे में भी हमको जानकारी देते हैं, जैसे वाटर का यहाँ पे मैं मोलर मास, यानी एक मॉलिक्यूल का 1 मोल का कितना मास है, मोलर मास मतलब 1 मोल का, यानी केमिकल फॉर्मूले से ही हम उसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मास कितना होता है, 2, यहाँ पे 1 होता है लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स है इसीलिए यहाँ पे 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास, 16, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 18, यानी ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 18 है, ठीक है। 1 मोल का मास जो है वाटर के वो 18 है। तो ये केमिकल फॉर्मूले से ही हमको पता चलता है, अगर हम केवल वाटर लिख देते तो हमें ये तीनों ही चीजें नहीं पता चल पाती, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। H2S मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो 2 एटम यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन के है, 1 एटम यहाँ सल्फर का है, तो टोटल कितने हुए, 3 एटम। और PO3 यानी फॉस्फेट आयन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो 1 आप देख रहे हो फॉस्फोरस का है, 4 आप देख रहे हो ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए, 5, ठीक है। तो 5 नंबर ऑफ एटम्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 40 से, पेज नंबर 40 आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपको डाउट है तो यहाँ से आप देख सकते हो। है क्वेश्चन की कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास जो इसका
जो एटॉमिक वेट होता है उसको जोड़ जोड़ करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू टू, क्योंकि दो एटम है इस वजह से यहाँ पे टू हो गया, तो उसका एटॉमिक मास होता है 1 और इंटू टू इज इक्वल टू 2U। यू से आप रिप्रेजेंट करोगे, AMU से नहीं, ठीक है। अब हमने जो एटॉमिक मास यूनिट है उसका जो यूनिट है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं, ठीक है, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहीं पे हमको ऑक्सीजन का दिया गया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और क्योंकि दो ऑक्सीजन के एटम है इसलिए इंटू टू तो 32U। फिर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, जो एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल का मास कितना है, एक का होता है 35.5, तो यहाँ पे दो एटम्स दिए हुए हैं तो इंटू टू तो 71U, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 1, क्योंकि कार्बन का एक ही है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू टू, क्योंकि दो एटम्स हैं तो टोटल हो गया 44U। फाइन, यू लगाना नहीं भूलिएगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। फाइन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, मीथेन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 1, क्योंकि एक ही कार्बन है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, और चार मॉलिक्यूल, चार एटम्स हैं तो इंटू 4 तो 2 गिव यू 16, टोटल कितना हो गया 16। फाइन, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, इथेन सॉरी, इथेन का कितना होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है, इंटू 2 हो गया क्योंकि दो एटम्स हैं कार्बन के, हाइड्रोजन का एक होता है और क्योंकि 6 है तो 1 इंटू 6, तो आप इसको सॉल्व करिएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 टू गिव यू 24 प्लस 6 टू गिव यू 30U। फाइन, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथीन, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के दो एटम्स हैं तो ऐसे ही हम सबको करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 28U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, NH3 को हम कहते हैं अमोनिया, क्या कहते हैं अमोनिया, कहीं पे भी अमोनिया का है तो आप NH3 लिखोगे, तो एक नाइट्रोजन का एटम का मास कितना होता है 14, और एक ही एटम है तो इंटू 1, और हाइड्रोजन का 1 होता है और तीन एटम्स है तो टोटल आप करोगे इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ जाएगा 17U। फाइन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH यानी मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल को ही हम जहरीली शराब भी कहते हैं, आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे ना जहरीली शराब पी करके लोग मर गए, तो जो हम नॉर्मल जो शराब होती है अल्कोहल होती है वो इथेनॉल है, ठीक है, लेकिन ये मिथेनॉल जो है ये बहुत ही डेंजरस होती है, ये लोगों को अंधा कर देती है, इवन लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है, तो इसीलिए जो है यही जहरीली शराब है एक तरीके से, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू टोटल ऑफ 32U। फाइन, सो कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, तो इनका भी आपको मॉलिक्यूलर मास ही सबको निकालना है। यहाँ पे जिंक का जो मास दिया है वो एक का, एक एटम का वो 65U दिया है, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का आप निकालोगे ZnO का 65 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टू गिव यू टोटल ऑफ 81U, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड का आप कैसे निकालोगे, सोडियम का होता है 23 इंटू 2, तो इसीलिए मैंने कहा कुछ कुछ एटम्स के आप एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास आपको याद कर लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो आपको पता हो और आप उससे अच्छे से कैलकुलेट कर सको, ठीक है। सो आप यहाँ पे टोटल आप देखोगे 62U आ जाएगा। फाइन, सो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम का जो वेट होता है वो 39 होता है इंटू 2, क्योंकि दो एटम्स है यहाँ कार्बोनेट का, ठीक है, कार्बोनेट का आप देखोगे तो टोटल आपको हो जाएगा 138 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पेज नंबर 42 से, जो है इफ़ वन मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम्स, वॉट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। एक मोल ऑफ कार्बन का जो एटम है वो 12 ग्राम वे करता है, आपको पता है ना, वन वन अगर सी लिखते हैं तो उसका वजन जो होता है वो 12 ग्राम है, वन मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम्स, वॉट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो वन मोल, जैसे कि वन मोल हम लिखते हैं, अगर हम एक कार्बन लिखते हैं तो वो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा है सी, सी लिखा है, तो ये एक एटम नहीं है, ये वन मोल ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये वन मोल ऑफ कार्बन है, तो वन मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं,
6.022 इंटू 10^23 एटम्स होते हैं, ठीक है, एक मोल में किसी भी चीज के, किसी भी चीज के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम एक मोल ऑफ कार्बन कह रहे हैं तो इसमें इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। तो वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स, तो जो है वो 12 ग्राम वे करते हैं क्योंकि एक मोल है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, वन एटम ऑफ कार्बन का कितना वजन होगा, ठीक है। तो हम लिखते ही हैं इसको कि 12 ग्राम वजन होता है उसका, ठीक है। तो यानी कि जब हम एक मोल ऑफ कार्बन लिखते हैं, एक मोल ऑफ कार्बन का वजन हमको पता है 12 ग्राम होता है और उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जो हम कार्बन लिखते हैं, सी लिखते हैं यहाँ पे, जैसे आप समझ में आ रहा होगा, सी लिखते हैं, यानी वो इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसमें, और इसका हम जो 12 लिखते हैं ना, 12 ग्राम वजन लिखते हैं भाई, वो एक मोल का होता है, ठीक है, ठीक है। सो 6.022 इंटू हम डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10^-23 ग्राम। तो एक कार्बन का वजन इतना ग्राम आ जाएगा, ठीक है। सो विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, तो इसमें किसका वजन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम जो है ज्यादा होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम आयरन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो कि मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23। वन मोल ऑफ सोडियम कितना, किसी भी वन मोल ऑफ सोडियम हो या वन मोल ऑफ आयरन हो, सब में जो है नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10^23 एटम ही होगा। चाहे कोई भी एटम हो उसके एक मोल में इतने ही एटम्स होते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर कहते हैं या एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, ये फिक्स रहता है। किसी भी चीज़ के एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर हैं यहाँ पे हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें इतने एटम्स होंगे, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। लेकिन 6.022 इंटू 10^23 ये नंबर आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वजन इतना होता है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, ठीक है। सो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम कंटेन इतना एटम्स, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन 6.02 इंटू 10^23 एटम्स बाय 23, यहाँ पे डिवाइड का निशान होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स, तो 100 ग्राम कितने एटम्स को कंटेन करेगा, 6.023 अपॉन 23 इंटू 100, ठीक है। तो जब आप करोगे तो ये आपका आएगा, इतने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं 100 ग्राम ऑफ सोडियम में होते हैं। वहीं आप आयरन को अगर कैलकुलेट करो कि आयरन के 100 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, तो आपके पास कितना आएगा, 6.022 इंटू 10^23। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.075 इंटू 10^24 एटम्स आएगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स एज कम्पेयर टू 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। तो जो 100 ग्राम ऑफ सोडियम है उसमें ज्यादा एटम्स होंगे क्योंकि सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो कम है ना आयरन से, इस वजह से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम देखते हैं, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। वेट से आपको कंपोजिशन करना है, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये आपने मैथ्स में भी किया होगा। जैसे आपको दिया हुआ है कि टोटल मास ऑफ सैंपल कितना है, 0.24 है, ठीक है, और उसमें आपको बोरोन का कंसेंट्रेशन निकालना है, तो 0.96 इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 40%, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज भी ऐसे ही निकाल लोगे, तो ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 60% आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी रहा, ठीक है, ओके। सो अब आप देखते हो, सो क्वेश्चन है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, ठीक है।
तो आपको जैसे दिया हुआ है कि वी फर्स्ट वी फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्रपोर्शन ऑफ मास मतलब किस मास के प्रपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमको पता है CO2, तो सी का हम लिखेंगे 12 होता है, एक ही है. और ऑक्सीजन क्योंकि 2 है तो 16 × 2 यानी 32, यानी इनका जो रेशियो आया वो है 3:8, यानी 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होगी. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको दिया है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो कितना मतलब कितना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी 12 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी. ठीक है, लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो फिर वो आ जाएगा 8 ग्राम. ठीक है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी. देयरफॉर 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, दैट इज 11 ग्राम. इवन इफ लार्ज अमाउंट 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, द आंसर विल बी गवर्न बाय द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. तो हर एक कंपाउंड का एक कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक खास कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में ही कंबाइन करता है. ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देने से भी ये कंपोजिशन नहीं बदलेगी. ठीक है, चाहे आप जैसे आप वाटर बना रहे हो H2O, तो H2O ही बनेगा. ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ऑक्सीजन दे दोगे तो कुछ और बन जाएगा. ठीक है, जो ऑक्सीजन ज़्यादा दोगे वो बचा रहेगा लेकिन बनेगा वाटर ही, या इस केस में आप कह सकते हो कि बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही. ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दोगे तो वो बचा रहेगा. ठीक है, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर पोले एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स. पोले एटॉमिक आयंस क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं या बहुत सारे एटम्स हैं वो एक कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं और वो एक एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं, जिसको कि हम पोले एटॉमिक आयंस कहते हैं. जैसे कि कार्बोनेट आयंस होते हैं, सल्फेट आयंस होते हैं, फॉस्फेट आयंस होते हैं, अमोनियम आयंस होते हैं. आयंस के फॉर्म में ही ज़्यादातर रहते हैं और ये एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं. ठीक है, तो इनको हम पोले एटॉमिक आयंस कहते हैं. तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी अ फिक्स चार्ज, तो इनके ऊपर एक चार्ज भी रहता है खासकर. ठीक है, द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी अ फिक्स चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन देम एंड बिहेव एज आयन आर कॉल्ड पोले एटोमिक आयन्स. तो ये डेफिनेशन है. जैसे आप कार्बोनेट आयन्स देखते हो, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव देखते हो ना, ये देखते हो. सल्फेट आयन्स देखते हो, SO4 2 नेगेटिव देखते हो. अमोनियम आयन देखते हो, NH3++ देखते हो ना, NH3. और फॉस्फेट आयन देखते हो, PO4 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव. ठीक है, कुछ भी देखते हो. तो ये आयन्स है. फाइन, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग के केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं. जैसे कि आप लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2. ये याद रखना चाहिए आपको. और कैल्शियम CaO का जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है. ठीक है, और कॉपर नाइट्राइड का CuNO3 2, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3. तो ये कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं जो बेसिक कंपाउंड्स हैं, जनरली जो आप ही पढ़ाई लिखाई में आप यूज़ करोगे तो इनको आप याद ही कर डालो कि अमोनियम क्लोराइड का AlCl3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3. तो ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा एक कॉपी में एक जगह पे कंबाइंड फॉर्म में आप लिख दोगे और 3-4 बार पढ़ लोगे हफ्ते में तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा. फिर वो आप उसको अदर और हायर लेवल की चीज़ें समझने में अपना दिमाग लगाओगे, नहीं तो यहीं बैठ के रह जाओगे. तो बेसिकली बात यह है कि इनको आप एक बार याद कर लो. धीरे धीरे जब यही चीज़ें याद रहेंगी तभी आप इससे एक स्टेप ऊपर की बात को समझ पाओगे, मोल कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब चीज़ों में दिमाग लगाओगे. ठीक है, नहीं तो ये केमिकल फॉर्मूले में ही अटके रहोगे और ये आपको बहुत परेशान करेगा. तो बेसिक पॉइंट यही होगा कि एक जगह पहले एक कॉपी में आप सारे फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, कुछ बेसिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले, ठीक है, उनका नाम ही याद कर लो तो धीरे धीरे चीज़ें और आपको इजी वे में लगने लगेंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. क्विक लाइम जो है एक कॉमन नेम है. ठीक है, ये कोई केमिकल नेम नहीं है. क्विक लाइम किसको कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड को.
ठीक है, ये टेंथ में भी है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्विक लाइम के ऊपर। तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, फाइन। इसका फॉर्मूला है CaO, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, HBr जिसका फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो आप केक बनाने में डालते हो ना, उसको कहते हैं, और उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है, ये होता है। और इसके अंदर एलिमेंट्स भी अगर आप देख लो तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो मोलर मास जब हम निकालते हैं तो जो भी उसका मास होता है, एटॉमिक मास, उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वही उसका मोलर मास होता है। जैसे यहाँ पे इथीन का दिया है C2H2, तो यहाँ पे C कार्बन का 12 होता है और वो 2 है, तो इसलिए इंटू 2 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल आपको 26 U आ गया। वैसे ही मोलर मास ऑफ सल्फर 8, सल्फर 8 जो है एक तरीके से एक, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है 32 होता है, ठीक, ऑक्सीजन का 16 होता है और सल्फर का 32 होता है, तो इसका टोटल आ गया 256 U। मोलर मास ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का जो है ये 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, एटॉमिक मास कितना होता है फॉस्फोरस का 31, ठीक है, ये सब आप याद कर लेना, ठीक है, सल्फर का, फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ कुछ पोटेशियम, कुछ कुछ कॉमन है, इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया 124 मोलर मास ऑफ HCl, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इसका टोटल आ गया 36.5। तो क्लोरीन का भी आपको याद करना होगा, क्लोरीन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्लोरीन हर जगह आपको मिल रहा है, तो 35.5। तो मोलर मास ऑफ जो है ये नाइट्रेट है, तो आप जो है इसका याद करो, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू जो है ऑक्सीजन का, तो इसका टोटल आ गया 63, ठीक है। सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक का मास कितना होगा, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास जो होता है 16 ग्राम होता है, और इसी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि सॉरी क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का कितना जो है मास होगा, तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 ग्राम, तो 14 इसका आंसर है। वो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का कितना मास होगा, ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम एटम का 27 होता है, तो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स का कितना मास होगा, 4 × 27। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है, तो इसका मास कितना होगा, सोडियम सल्फाइड का मास जो है ये आप सोडियम का इंटू 2 इंटू सल्फर का, ऑक्सीजन का, सबका मास जब कैलकुलेट करोगे तो आपका 1 मोल का 126 आ गया, तो 10 मोल्स का 10 से इंटू कर दोगे तो 1260 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। सो कन्वर्ट इंटू 1 मोल, 1 मोल में कन्वर्ट करिए, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को आपको 1 मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, O2, अगर आप लिखो O2 के फॉर्म में ही गैस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो 16 × 2, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना दिया है 12 और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 32, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए यहाँ पे, 2 6 12, 2 1 2 और 2 6 12, 2 3 6 और 2 8 16, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल जो है 0.375 मोल्स, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.375 मोल्स आ जाएगा, तो यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो भी मास दिया है और उसके ऊपर इसका मॉलिक्यूलर मास,
ठीक है, यहाँ पे मास हमको 12 दिया था और मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी आप दूसरा क्वेश्चन करिए तो और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे वाटर का निकालने के लिए बोला है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, सो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया 18। ठीक है, और 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ग्राम में कितने मोल होंगे। ठीक है, 20 ग्राम में मोल निकालना है आपको फिर से, तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट कितना दिया है 20 ग्राम और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही दिया है ना। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.11 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, कितना वजन दिया है 20 आपको दिया ही हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट आपने कैलकुलेट किया, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए तो 44 ग्राम आ गया, तो यहाँ पे आपको दिया कितना हुआ है 22 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट कितना दिया है 22 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम दिया है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 2, 1/2 यानी 0.5 मोल्स। ठीक है, 0.5 मोल्स आ जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे आपको मास निकालना है। ठीक है, तो मोल्स आपको दिया हुआ है, तो आपको पता ही है अगर हम फॉर्मूला वही यूज करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स जो है वो आपको 0.2 मोल्स दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, वेट आपको निकालना है। ठीक है, W या मास आपको निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास आपको पता है ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, जो इसको हम लेंगे 16। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 32 यानी 3.2, यानी वेट कितना आ गया 3.2 ग्राम्स आ गया। फाइन, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ये एटम लिखा है ना कि मॉलिक्यूल, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो 16 लिया, ना कि 32। ठीक है, ओ लिया केवल, क्योंकि ऑक्सीजन एटम लिखा था। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का 0.5 मोल आपको दिया हुआ है, मास आपको निकालना है उसका, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है वाटर का 18 होता है, तो ये आप यहाँ चला जाएगा, तो इसका मास कितना निकालेगा, 8 5 44 5 5 9। ठीक है, ये आ गया 9, तो 9 ग्राम्स का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। फाइन, तो इस तरीके से आपने निकाला कि कैसे हमने निकाला, तो तो इस तरह से देखा आपने कि हमने कैसे मोल के मदद से मॉलिक्यूलर वेट या मास जो है कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। सॉलिड सल्फर 16 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सल्फर कितना है आप निकाल लीजिए, S8 है तो एक एटम का वजन 32 होता है, और ये क्योंकि S8 है तो 256 ग्राम हो गया। ठीक है, सो नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इन 256 ग्राम ऑफ सल्फर, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एटम के एक मोल में, यानी S8 है वो इसका एक मोल है, तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, 6.022 × 10⁻²³ × 16/256 ग्राम। ठीक है, तो टोटल जब आप करोगे तो यहाँ पे 3.76 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स आएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, कि S8 मॉलिक्यूल में 256 ग्राम ऑफ सल्फर में जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा था इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने देखे थे कि 256 यानी एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, और हमको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम में करना था, तो 256 ग्राम में इतना है तो 16 ग्राम में कितना होगा, तो यानी हमें 6.022
इंटू 10 to the power 23 अपॉन 256 इंटू 16, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे टोटल को, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 3.76 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने एल्यूमिनियम आयन्स, या एल्यूमिनियम आयन्स जो होता है वो एक तरीके से एल्यूमिनियम एटम्स ही होता है, ठीक है। एटम्स और आयन में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको पता करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहले आप देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो इसका अगर हम मोलर मास निकालें टोटल, तो 27 होता है। तो क्योंकि टू एटम्स हैं, तो 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 टू गिव अस मोलर मास ऑफ 102 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। तो जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम आयन्स में टूटेगा, तो इस तरीके से आप देखोगे ये इक्वेशन होगा कि Al2O3 टू गिव यू 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से ये टूटते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको एल्यूमिनियम का ये समझ लें कि एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के 2 मोल्स लगे हैं, ठीक है। 2 मोल एल्यूमिनियम के लगे हैं, 3 मोल ऑक्सीजन आयन्स के लगे हैं, टू गिव यू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे एल्यूमिनियम के ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं आपको पता है? 6.022 × 10²³, ठीक है। तो अगर 102 ग्राम, हमने जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वजन कैलकुलेट किया था, 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स कितने एल्यूमिनियम के आयंस कंटेन करता है? ये 2 एल्यूमिनियम के आयंस कंटेन करता है, यानी 2 × 6 × 10², ठीक है, ये आ गया। तो अब हमको वजन दिया हुआ है कि इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस हमको निकालने होंगे। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 2 × 6.022 × 10²³ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय का साइन नहीं लगा है, डिवाइडेड बाय 102 इंटू 5.05, ठीक है। तो जब आप इसकी कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आंसर आएगा 6.022 × 10²² एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हैं। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है, देन यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।